नमस्कार, एमबीसीजे 24 न्यूज एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। आज की ताजा खबरों के साथ मैं स्वाति। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। जिला शिक्षा विभाग जबलपुर द्वारा अंतर सालीय खेल कैलेंडर के अनुसार प्रतियोगिताओं की तिथियों के निर्धारण हेतु आयोजित बैठक हुई सम्पन्न। हमारे संवाददाता द्वारा प्राप्त जानकारी पर जिला क्रीडा प्रभारी चंदा सोनी ने जानकारी देते हुए बताया कि लोक शिक्षण संचालनालय भोपाल के निर्देश अनुसार राज्य स्तरीय सालेय खेलकूद प्रतियोगिताओं का वार्षिक कैलेंडर सत्र 2022 से 2023 का जारी किया गया है। निर्धारित तिथियों के अनुसार जिले में जिला स्तरीय सालेय विभिन्न प्रतियोगिताओं को आयोजित करने हेतु शासकीय पंडित लज्जा शंकर झा स्कूल जबलपुर परिसर में बैठक आयोजन किया गया। बैठक का शुभारंभ संभागीय क्रीडा अधिकारी आशा सिसोदिया, जिला शिक्षा अधिकारी घनश्याम सोनी, जिला क्रीडा अधिकारी चंदा सोनी, सारिका खान के आतिथ्य में किया गया। बैठक में जबलपुर जिले के समस्त शासकीय अशासकीय विद्यालय के प्राचार्य, पीटीआई उत्कृष्ट खिलाड़ी, खेल प्रशिक्षित, खेल प्रभारी उपस्थित रहे। बैठक में लोक शिक्षण संचालनालय भोपाल के निर्देशानुसार राज्य स्तरीय सालेय खेलकूद प्रतियोगिताओं का वार्षिक कैलेंडर द्वारा निर्धारित 34 खेलों की जिला स्तरीय अंतरसालेय प्रतियोगिता कराने हेतु सहमति पत्र प्रदान कर तिथियों का निर्धारण किया गया, जिसमें समस्त शासकीय अशासकीय विद्यालयों के प्राचार्य, पीटीआई उत्कृष्ट खिलाड़ी, खेल प्रशिक्षित, खेल प्रभारियों ने अपनी सहमति प्रदान की। जबलपुर संभागीय ब्यूरो चीफ राजकुमार यादव के साथ संवाददाता जयराज चौधरी की रिपोर्ट। के लिए बहुत ही हर्ष का विषय है कि हमारे बरेला में पहली बार मिनी वॉलीबॉल एवं कुराज का जिला स्तरीय गेम्स अपने बरेला में हो रहे हैं। ये बड़े ही हर्ष का विषय है। जितने हमारे जय भाई साथ देंगे, हमारे आने वाले समय में हमारी राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं के कैलेंडर आ गए सालीय स्तर के, उस हिसाब से हमें संभागीय प्रतियोगिता जिला स्तर की प्रतियोगिता के आयोजक ढूंढने थे, जो इस मीटिंग में ढूंढे गए कि कौन सा स्कूल किस प्रतियोगिता को कराएगा। उनके पास मैदान है, उनके पास संसाधन है, उनके पास प्रशिक्षक हैं और जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय जो ग्राउंड तय नहीं हो पाए हैं, जो कोच ले नहीं पाए, तो वो उसको हमारा जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय का जिला कक्ष अपने टेक्निकल हैंड्स की मदद से करवाएगा। यहाँ पे देखा गया जिला शिक्षा अधिकारी जो आपके डीओ साथ थे, उन्होंने अपने माइक के संबोधित में सभी प्रशिक्षक जो और यहाँ पे पीटीआई, तो उनको ये बताया अपने जानकारी के अनुसार कि सभी खेल को विद्यार्थियों को निकालना, हर क्लास की निकालना है। जिस स्कूल में मैदान नहीं है तो वहाँ से बच्चे कैसे निकलेंगे, क्या कहना चाहेंगे इसमें? जिस एक ही स्कूल में सारे मैदान तो उपलब्ध हो ही नहीं सकते, 72 खेल हैं जीएफआई के अंडर में। क्या एक स्कूल के अंदर स्विमिंग पूल, ट्रैक, हॉकी का स्टेडियम मैदान, फुटबॉल, वॉलीबॉल, बैडमिंटन एकेडमी इंडोर स्टेडियम हो सकता क्या? उपलब्ध संसाधनों से ही हमें निकालना है प्लेयर। हमारा ये मानना है कि प्रतिभा हमेशा अभाव में पलती है और साधना साधन के अभाव में संभव है, इसलिए कम से कम चीज़ों में से ज़्यादा बेहतर रिजल्ट कैसे दे सकते हैं। हम खिलाड़ियों को, विद्यार्थियों को आर्मी पर्सन बनाना चाहते हैं, विपरीत परिस्थितियों में जो बेहतर रिजल्ट दे सके। जो यहाँ पे 15 दिन का एक कैंप ऑर्गेनाइज किया था मध्य शासन के द्वारा, स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा, क्या उनकी भी सेवाएं और इनकी या प्रतियोगिता में कुछ ऐसा महत्वपूर्ण योगदान रहेगा, क्या कहना है? 100% रहेगा, 100% रहेगा। सामने देखो, वो जितने भी हमसे सीख कर गए हैं वो पहले से एक्सपर्ट थे और वो हमारी पूर्ण मदद। जुलाई 2022 को शासकीय कन्या मॉडल हाई स्कूल में जिला स्तर की मुलाकात प्रतियोगिता के आयोजन के लिए यहाँ पर आज एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें सभी जबलपुर जिले से शासकीय अशासकीय विद्यालयों के पीटीआई उत्कृष्ट खिलाड़ी, खेल प्रभारी, शिक्षक, खेल प्रशिक्षित शिक्षकों ने यहाँ पर आए, जिसमें जो हमारे शासन से मान्यता प्राप्त खेलो इंडिया और एशियाड और एशियन गेमों से जो खेल मान्यता प्राप्त है, उन खेलों के मध्य प्रदेश लोक शिक्षण संचालनालय भोपाल से जारी किया गया कैलेंडर के अनुसार ही आज जिले की प्रतियोगिता आयोजित करने की बैठक यहाँ मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल में जिला शिक्षा अधिकारी के मार्गदर्शन में रखी गई, जिनका शासकीय अशासकीय स्कूलों से यहाँ पर सभी लोग आए और उन्होंने अपने अपने स्कूलों में जो खेल मैदान के मापदंड के अनुसार जहाँ उपलब्ध हैं, उन खेलों की प्रतियोगिता अपने स्कूलों में संयोजक प्राचार्यों ने यहाँ
यहाँ पर अपनी सहमति प्रदान की कि इन स्कूलों की प्रतियोगिता हमारे स्कूल आयोजित कराएगा। जिला स्तर